हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मच्छी मार्केट आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर। मैं थाना के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, आप देख रहे हैं पीछे हाईवे है, थाना के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास ये मच्छी मार्केट लगता है। इसका नाम है फ्लावर वैली मच्छी मार्केट। फ्लावर वैली मच्छी मार्केट बोलते हैं इस मच्छी मार्केट को। काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा लगता है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी लंबा लगता है। अभी तो दोपहर का वक्त हो गया है, इसलिए थोड़ा कम हो गया है, पब्लिक क्राउड कम हो गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर लगता है। तो आइए यहाँ के मच्छी मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या रेट में मच्छी ये लोग दे रहे हैं, कौन कौन सी मच्छी आई हुई है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं थाने की फ्लावर वैली मच्छी मार्केट। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, फिश के रेट के बारे में पता करते हैं, फ्रेशनेस के बारे में पता करते हैं। क्या कैसा ताई, कैसे दे रहे हैं पापलेट? 500 का 6 बोल रहे हैं। और ये बांगड़ा 200 रुपए का वाटा है, 200 रुपए में 6 है। यूट्यूब ब्लॉग, मेरा ब्लॉग चैनल है, चैनल है उसमें फिर सब लोग देखते हैं मच्छी का, हर जगह जगह का वीडियो सब देखते हैं। हाँ, फक्त मच्छी सा। हाँ, यानी हाँ कोलम्बी 500 का 3 वाटा है। और ये दातारी 200 रुपए का। तो ये रेट अच्छा रेट है, बात करेंगे तो थोड़ा कम भी कर देंगे। हाँ नहीं नहीं अच्छा है, रेट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, बात अच्छे से करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना ताई? हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर भी पापलेट है, थोड़ी सी मीडियम है। कैसा है? 6 का? अच्छा 200 की जोड़ी है, देखिए 500 रुपए की 6 बोल रहे हैं। ये बता संगला है। हाँ ये अच्छा है, 200 रुपए का वाटा है और 500 रुपए के 3 वाटे। अच्छा 400 में भी दे देंगे, ये देखो कितनी अच्छी बात है, अच्छा रेट में दे रहे हैं। काफ़ी लोग देखिए अच्छे लोग हैं, अच्छा रेट में मार्केट अच्छा है। बस बहुत सारे लोग यहाँ आइए, फ्लावर वैली नाम है ना, फ्लावर वैली मार्केट है। पीछे आप देखिए ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, इसके ठीक बाजू में ही है, ऑपोजिट में साईं बाबा का मंदिर है। देखिए यहाँ पर फ्लावर वैली मार्केट, इसके अच्छा है, अच्छे रेट है। ये काली मच्छी 100 रुपए का वाटा, और ये 200 रुपए। अच्छा ये 200 रुपए की, ये 100 रुपए की। अरे केकड़ा भी है, केकड़े कैसे दिए चाहिए? 600 रुपए का। कितना? 600 रुपए का, 500 रुपए का सब दे देंगे बंडल। हाँ बंडल दे देंगे, देखिए सब अच्छे अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर बड़े वाले पापलेट भी है, ताई वो बड़ा वाला पापलेट कैसे? बड़ी पापलेट कैसा दिले? ऐसे नहीं, कैसा दिले है ये दोन? 500 की जोड़ी है। अब बात करेंगे तो थोड़ा कम कर देते हैं ना, बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा कम दे देंगे। अच्छा देखो पापलेट, देखो अच्छा बड़ा बड़ा है, बड़ा है, अच्छा पापलेट है। हाँ सही बात है। और ये छोटे वाले कितने के दे देंगे? 500 का 6 दे देंगे। लेकिन यही है ना कि अगर ले लेंगे, बात करेंगे तो थोड़ा कम कर देंगे। अच्छा है। और ये कोलम्बी तई 800 का, ये पूरा 800 का। ये 500 रुपए की कोलम्बी देखिए, ये बड़े वाले झींगे हैं अच्छे, और ये 800 रुपए का, ये अच्छा रेट है इनका। और सारा ऐसे ही मार्केट है, यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबा मार्केट है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ पूरा वहाँ तक, देखिए काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है, और हर सबके पास अच्छे अच्छे फिश है। इनके पास भी देखिए कोलम्बी, देखिए आई कैसे दे रहे हैं ताई? 500 का है, वो 500 का है लेकिन कम कर देंगे ना, देखिए कम कर देंगे। ये देखिए यहाँ से पूरा मार्केट देखिए कैसे पूरा दूर तक, वहाँ तक देखिए पूरा का पूरा मार्केट है, बहुत लंबा, कम से कम 40-50 स्टॉल है। सारे तरह के फिश है यहाँ पे, पापलेट है, रावस है, हलवा है। ताई कैसे पापलेट दे रहे हैं आप? 800 का जोड़ी है, 800 रुपए की जोड़ी है, बड़ी वाली पापलेट है, तो बार्गेनिंग हो जाती है। राउस ये कैसा? 500 की है, कह देखिए बड़ी है।
वो जितना आप लेंगे बात करेंगे तो कम भी कर देते हैं। सुरमई 500 रुपये? अच्छा अच्छी सुरमई, सुरमई बड़ी है। हाँ 500 रुपये की बोल रहे हैं, लेकिन अगर बात करेंगे तो ताई थोड़ा कम कर देंगे, है ना ताई? हाँ ताई कम कर देते हैं। और ये कातेरी क्या? कातेरी है ना? 100 रुपया रेस पिया करके है ये, 100 रुपया का ये पूरा। अच्छा और ये हलवा? अच्छा दे रहे हैं ताई 500 का तेरी। इस मार्केट में आना चाहिए। हाउस है, सुरमई है, पापलेट बड़ी बड़ी। और ये बड़ी वाली हलवा खाली कितने की बताइए? कितने की? 1000 रुपये की है ये, बड़ी है, 2 किलो के आसपास की है। 1000 रुपये बोल रहे हैं, बात करेंगे तो थोड़ा कम कर देंगे ताई, है ना? अच्छी ये देखिए मच्छी पूरी। और ये कोलम भी अच्छे मोटे मोटे हैं, 350 रुपये की ये किलो। अच्छा अच्छा देखिए 1 किलो का 350 रुपया है ये कोलंबी का। अच्छा रेट है यहाँ पर, आगे भी पूछते हैं क्या हिसाब में मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी झींगा है, राउस, क्या लॉबस्टर, एक देना जरा। हाँ ये देखिए लॉबस्टर है यहाँ पर बड़े बड़े। ये कैसे किलो से दे रहे हैं आप? फिर अच्छा 1200 रुपये के आसपास है, बात करेंगे तो और कम कर देंगे। 1000 रुपये में इतना पूरा लॉबस्टर देंगे, देखिए 1000 रुपये में। अच्छा 1000 किया था, हाँ दिया नहीं गिरा नहीं नहीं अच्छा अच्छा है। अरे ये बांगड़ा कैसा है? कोलंबी 200 रुपये का वाटा, कोलंबी है, लेप है, इनके पास भी काफ़ी सारी है। हाँ सारी मच्छी है, अभी के दोपहर हो गया तो इसके लिए कस्टमर कम हो गए, थोड़ा सस्ता भी हो गया। अच्छा रेट के हिसाब से तो ये है कि ठीक ठाक रेट है, रिटेल का है यहाँ पर, बट थोड़ा बार्गेनिंग की स्किल आपको आजमानी पड़ेगी, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। सस्ता है यायचा, इकड़े यायचा कैसा? देखिए इधर पे कितनी सारी फिश है, अच्छी फिश है यहाँ पर, बहुत सारी फिश है। देखो ये देखिए चांगला वीडियो करना मी तुमचा। हाँ कसा दिला ही कोलंबी? 300 रुपये के कोलंबी है देखिए ये। और राउस, ये बड़ी वाली राउस है भाई, कितनी बड़ी राउस है देखिए, काफ़ी सारी है। ये देखिए हलवा है ये 500 रुपये की एक है। चांगला मार्केट है, इकड़े यायचा है। ये बघा सर्व प्रकारची मासिया तुम्हाला भेटणार इकडे। ये बघा होलसेल भावाला, सस्ते भावाला। कोलंबी कैसे देता है? 300, देखिए 300 रुपये वाटा है। वो तो बात करेंगे तो थोड़ा सा बार्गेनिंग कर देते हैं, कम ज़्यादा हो ही जाता है। यहाँ पर भी हलवा है, अच्छी पीसेस है, दातारी है, बांगड़े का वाटा है, देखिए पापलेट, हर तरह की फिश मिलेगी आपको यहाँ पर। देखिए तो इस मार्केट का जो नाम है वो है फ्लावर वैली, पता नहीं क्यों ऐसा नाम है, लेकिन लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं, जो बेचने के लिए ताई मौसी बैठे हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे रेट भी बता रहे हैं, आपको बार्गेनिंग करने का मौका देते हैं। आप जितना अच्छा बार्गेनिंग करते हैं उतने अच्छे रेट में आपको यहाँ पर ये मच्छी दे देते हैं। थाना वेस्ट में है ये मार्केट, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जस्ट बगल में। ताई इधर का टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक ये मार्केट लगा रहता है, आप सुबह 8 से 9 तक कभी भी आ सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हर तरह के फिश मार्केट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, मुंबई के भी, मुंबई के बाहर के भी, उससे भी बाहर महाराष्ट्र के बाहर के भी फिश वॉक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
ढेर सारे कमेंट कीजिए, जैसा भी लग रहा हो आपको, अच्छा लग रहा है या कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उस तरह के ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं एक और नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए।